Hi guys, this is Faryal Mehmood and I'm here with Samina Peerzada on Rewind. I've come here to talk to you guys on one-to-one personal basis. मैंने अपनी पूरी life के छोटे छोटे episodes करके यहाँ बताए हैं जो कि मेरे बहुत सारे करीबी लोगों को भी नहीं पता. So I really hope that you guys are going to appreciate the fact that I was being very, very honest about my life and about my family and everything. If any one of you feels the way I did or is going through what I went through in your life, like, then you have this video to look up to and you have this person that you could relate to, and that's exactly why I came on this show and I told you guys everything. So I hope you guys enjoy. लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं. दो मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो लड़ाई तो होती है. लेकिन कभी आपने सोचा है जब आप लड़ रहे होते हैं तो आपके बच्चों पे क्या असर होता है? बच्चे शायद ये सोचते हैं ये जो कुछ हो रहा है हमारी वजह से है, हमारी गलती है. प्लीज़ अपने बच्चों से बात करें और उन्हें बताएं कि उनकी गलती नहीं है, उनकी वजह से नहीं हो रहा. आप नहीं बात करेंगे तो बच्चों में सुइसाइडल में भी अपने आप को सही से ज़िंदा रहने की उनमें लगन नहीं होगी, वो अच्छे पेरेंट्स भी ना बन सकें. यू नो ये होता है. बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है. समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? बहुत नाजुक दिल होता है बच्चों का. इसी सोच को जहन में रख के मैंने सोचा मैं फरियाल महमूद को बुलाती हूँ अपने शो पर. उसका बचपन शायद बचपन नहीं था. मैंने फरियाल को बुलाया है, ढेर सारी बातें करूँगी. मैं जानूँगी कि वो कैसे जी रही है, कैसे काम कर रही है. आइए मिलते हैं फरियाल महमूद से. इतनी दुबली कैसे हो गई? बहुत सारा वर्कआउट करके और बहुत सारी डाइट करके, लाइक डाइट ठीक करके. प्रोटीन, आई वाज ऑन अ प्रोटीन डाइट, सो चिकन, गोश्त, नो शुगर, नो कार्ब्स, चावल, रोटी सब छोड़ दिया. क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है. You have to look a certain way for you to be appreciated, and that's how it is. Pressure नहीं है इसका? Pressure? हाँ. बहुत pressure है. ये तो बहुत, हाँ. Because when I moved here, thinking कि मैं acting कर लूँगी and I want to be an actress, so I was proved wrong. The first 2 years in the industry was eye opening for me ki acha my talent really doesn't matter. Even if I wasn't an actor, if I was skinny and gory and pretty and all of that, it would have worked for me. But I had to work twice as hard because talent Pakistan mein unfortunately itna zyada matter nahi karta jitna aapki image or how you look and how all of that matters. Really? Yeah. तो पाकिस्तान में तो हर तरह के लोग हैं. हाँ, लेकिन हर तरह के लोग मतलब मेन कैरेक्टर्स नहीं करते ना, मेन लीड्स नहीं होते. उनके लिए एक सेट है कि हाँ, they should look certain way. किताबी चेहरा होगा, किताबी चेहरा होगा, like, हाँ, और चांद का टुकड़ा होगा. हाँ हाँ, वो ना भी हो, मतलब यहाँ पे ये भी है ना, गोरा होना और वो सब, वो भी है एक बहुत ज्यादा. But the tone you have, your skin tone, I think is like mine. Yeah. And you know, ये तो tone उसको camera को अच्छी लगती है. I like my skin tone a lot. I actually reached this skin tone after living here for so many years. क्योंकि I don't like pale girls. I mean, I don't find them attractive. Not even pale boys. I don't find them attractive at all. ये तो नमकीन है. Right. तो बस वो अपने अपने माइंडसेट होते हैं लोगों के. इतना आई डोंट वरी अबाउट द गोरा पार्ट एज मच. शुरू में मुझे बहुत लोगों ने बोला था तुम ठीक है लगवा लो, तुम अपना ये करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो. पहले तो ये था ना कि बस तुम पतली हो जाओ और टीके लगवा लो. सो जो इतने पतली हुई है, उससे फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो बहुत पड़ा.
फर्क बहुत पड़ा. आई गॉट वेयर लाइक वॉट आई वॉन्टेड, लाइक आई एम हेडिंग वेयर आई वॉन्टेड टू हेड इन द फर्स्ट प्लेस. बट स्टिल आई फील लाइक अभी भी मुझे बहुत सारा कुछ सीखना है, पॉलिटिक्स और ये और वो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ती हैं आपको डील करने के लिए लोगों से. अच्छा, या व्हाई आर यू सेइंग दिस? बिकॉज आई असल चीज़ ये है कि यू आर अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. थैंक यू. एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर. थैंक यू. मैंने आपका एक वीडियो देखा है. ठीक है, एक वीडियो देखा है, एक फहद हमारे एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने शूट किया. ठीक है, इट वॉज अमेजिंग. थैंक यू. यू नो बिकॉज आई वर्क विद यू, मैंने आपके साथ काम किया है, मगर मैंने उस तरह नहीं देखा बिकॉज वो हमारे कैरेक्टर्स थे एंड वी वर ऑन द सेट. और फिर मैंने आपका मतलब वो मैंने आपका काम देखा है. वो अमेजिंग है कि एक एक्टर में कितना पावर है कि वो अपने आप को किस तरह सेकेंड्स में आप क्या क्या आपने अपने चेहरे के साथ किया. But that's you. But that's you who's viewing me like that. Not everyone has the talent of actually seeing what the other person consists of, I think. Lekin ye to hota hai hamare ki you are as famous as your last project or as talented as your last character. Exactly. To aapko har waqt apne aap ko reinvent karna padta hai, reach out karna padta hai. Ye jo video banaya tha ye dikhaya directors ko? I think सबने ही देखा हुआ है. आई थिंक एवरी वन हैज़ वॉच्ड. आई डोंट नो मेरे बारे में इंडस्ट्री में आई डोंट नो ये इमेज क्यों बना हुआ है कि मैं बहुत मुश्किल हूँ. हालांकि मैं सबसे आसान इंसान हूँ टू वर्क विद इफ़ यू आर ऑल्सो बींग प्रोफेशनल. इफ़ आई एम ऑन टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑन टाइम. एंड आई एम लिटरली ऑलवेज ऑन टाइम. इट मैं लिटरली रोती थी पहले कि मैं क्यों आ जाती हूँ इतनी जल्दी, लेकिन मैं उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकती. इट्स समथिंग दैट आई हैव फेस्ड इट एंड अग्रीड विद माई सेल्फ कि मैं ऐसा करूँगी, मैं टाइम पे ही आऊँगी. अब कुछ नहीं कह सकते, किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते. सो लाइक देयर थिंग्स दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट यू एंड देन आई एम टू ऑनेस्ट. आई थिंक आप इतना ज़्यादा यहाँ पर लोग हैंडल भी नहीं कर सकते ऑनेस्टी को इतना ज़्यादा. तो इस वजह से शायद मुझे डिफ़िकल्ट कहा जाता है, लेकिन मैं एक्चुअली नहीं हूँ. मुझे सच बात बोल दी जाएगी कि चेक नहीं मिलने वाला अगले 3 महीने. फरियाद, टेल मी, इट्स ओके, आई विल मैनेज समथिंग एल्स. डोंट लाई टू मी, यू नो. नो, बट वो तो सब यही चाहते हैं. Yeah. आपको एक्सेप्शन नहीं हो. Yeah. You know, सभी ये चाहते हैं. And it should सब चाहते हैं वक्त की पाबंदी हो, सब चाहते हैं वक्त पे काम हो, हम शाम को आराम से वक्त पे चले जाएं और मेकअप उतारें, रिलैक्स करें, अनवाइंड करें, वो कैरेक्टर लेके घूमते ना रहें. क्योंकि आप जितना लेट करेंगे कैरेक्टर उतनी देर आपके साथ रहेगा. यू नो, फिर आप पे वो घंटे नहीं मुयसर होंगे कि उसको निकालें, अपने आप से मिलें और फिर दूसरे दिन तैयार हो जाएं. You see, a lot of people don't understand this. Producers don't understand this. Since mujhe bhi back ka ek problem ho gaya hai, my back is herniated, my L4 and L5. To kabhi kabhi aisa hota hai ki main subah mein physio jaati hu, to then I tell them all right, I'll work late till late. To jab tak main ghar pahunchti hu, and I usually mainly do very twisted characters, like psycho characters and negative and like planning murders and planning this and planning that. I think that it has a little more to do than the positive girl who's just always crying. So wo jab main leke ghar jaati hu, I'm like a total different person when I'm doing a project that consists of these elements ke main buri hu. Koi unse bole na aapka number wo yahan aati hai, तो वो बोलेंगे कि अच्छा नंबर, वो कहेंगे 0300 आपके लिए 200. And I'm just like, what are you doing? What are you doing? No, but that's what she is. Yeah, that's who she is. She's amazing. So then, so unwind कैसे करते हो? Unwind मैं Netflix अपना Friends लगा लेती हूँ, या I watch South Park या Family Guy, and I eat and I watch some stuff and then I go to sleep. But यस, वो एक विंडो होती है 2 to 3 hour पीरियड की जो आपको चाहिए होती है, जिसमें आप ज़बरदस्ती अपने आप को सुला भी नहीं पाते
और बहुत सब कुछ चल रहा होता है जो दिन में आपने किया होता है और जो बातें हुई होती हैं आपके सीन्स, अच्छा वो वाला सीन मैंने अच्छा कर दिया, उधर मैं ये कर सकती थी, वहाँ मैंने सही तरह ये नहीं किया, ये सब चल रहा होता है। तो अपनी पिटाई काफ़ी करती हो। हाँ तो अपने से दोस्ती कब करोगी? आई थिंक अपने से दोस्ती ही है मेरी है कि मैं अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करती हूँ, क्योंकि ये हैवी नहीं है कि बाहर की दुनिया भी वहाँ काफ़ी सारी जंगें लड़नी पड़ती है ना? हाँ है ना, ये जो कह रहे हो वक्त पे पाबंद होना या ना होना, या पैसों का मिलना ना मिलना, किसी का आपको समझना ना समझना, ये जंग है ना बाकायदा, रोजाना लड़ी जाती, कैरेक्टर से लड़ना, यू वांट टू डू इट दिस वे, डायरेक्टर वांट्स इट दैट वे, कोई आपको फिर फेलो एक्टर शायद ना इतना आपके साथ ताबुन कर रहा हो, फिर आप अपनी भी पिटाई करो। लेकिन द थिंग इज विद मी, आई एम मोर कनेक्टेड विद इंटरनली, नॉट सो मच एक्सटर्नली। जब मैं सेट पे होती हूँ सो आई एम वेरी इन टू द सीन, मैं बस बहुत कम होता है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए किसी से और मैं बातें कर लूँ बैठ के। ज़्यादातर आप आए होती हैं जिनसे मैं बातें करती हूँ, मेरी एज की इतनी एक्ट्रेसेस या एक्टर्स नहीं हैं जिनसे मैं बैठ के बातें करूँ, सो आई एम वेरी फोकस्ड ऑन सेट। जो भी मुझे कोई बोलता है सेट पे वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई गो होम, दे गो होम एंड ठीक है, दैट्स इट। वॉट मैटर्स द मोस्ट इज वॉट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एंड वॉट माई लव्ड वंस थिंक ऑफ मी, दैट्स इट। वरना तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग बैश करते हैं मैं तो अपने आप को मार लूँ अगर ऐसा इतना सोचना शुरू करूँ मैं। हाँ लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली वो करती हूँ कि वेयर डू आई नीड अ चेक नाउ। सो पैदा कहाँ हुई? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कैसे? बिकॉज माई मदर एंड फादर मूव देयर ना व्हेन दे गॉट मैरिड, सो आई वॉज बॉर्न इन क्वींस। आप रूहानी बानो की? मैं रूहानी बानो की बेटी और रूहानी बानो मुझे बहुत मजे की एक्टर लगती है एंड आई थिंक आई हैव वर्क्ड विद हर और हमने बहुत मजा किया था। शी लव्स यू, सो फनी, शी सो विटी एंड नॉटी। शी हैज बीन टेलिंग मी टू कम ऑन योर शो, शी इज लाइक गो टू दैट शो, गो टू दैट शो एंड शी लव्स यू, शी स्टिल जस्ट लव्स यू, अडोर्स यू। हाँ, मेरी बहुत प्यारी मेमोरीज हैं आपकी वालदा रूहानी की, क्योंकि मुझे कोई बात ऐसी याद नहीं है कि उन्होंने सीधी की हो। हाँ नहीं, वो अभी भी ऐसी ही हैं, उनको एक्चुअली आई प्ले द मदर कैरेक्टर एंड शी प्लेज द चाइल्ड कैरेक्टर एंड देयर थिंग्स जब वो लोगों में कह जाती हैं एंड आई जस्ट लुक एट हर के this was not needed, she was like this with 8 seconds like that, she does not care actually. Wo theater jo tha na usme maza yahi tha na, kyunki aap extempore baat karte the, aapko wo fir aadat padti hai na foreign se jawab dene ki, to wo har cheez ka koi unse bole na aapka number, wo yahan aati hain to wo bolenge ki acha number, wo kahengi 0300 aapke liye 200 and I'm just like what are you doing? No, but that's what she is. Yeah, that's who she is. She's amazing. She's amazing. So, kitne behan bhai ho? I have two younger brothers and then I have three stepsisters. Acha. Yeah. To wo aapke abbu ki pehli shaadi se hai? Nahi, my mother and my father were married sabse pehle. Achha. And then my father got married again. Achha. And had three more children. And those are all sisters. And my mother had two kids with my father. अच्छा, सो या नो, टू किड्स, क्या मतलब तुम भी? मी एंड माय टू यंगर ब्रदर्स, ब्रदर्स आर फ्रॉम द फर्स्ट, हर फर्स्ट मैरिज, या एंड देन योर फादर्स सेकंड मैरिज, से तीन बहनें, एंड आप लोग इकट्ठे हैं? नहीं, आप मिलते हैं? वेल, मैं एक लिंक हूँ जो इन सबको जोड़ता है और मैं ही हूँ जो हर जगह से कनेक्टेड है, वरना माय मदर एंड माय फादर डोंट रियली टॉक मच, माय ब्रदर डजंट टॉक टू माय फादर, my sisters don't even know that they have a brother, my brother doesn't know that he has sisters and who they are and whatever. I'm the only one who has lived with my father and my mother and I keep in touch with both of them. Thoda bahut, you know. So aapki ammi aur aapke abbu naraaz hain? Ha, wo to kafi waqt se naraaz hain. They got separated a while back when I was like 6-7. Achha. Divorce ho gayi thi and then my mother got remarried and then my father got remarried and then papa bhi America move ho gaye, fir hum log bhi America wapas move ho gaye, and
उस वक्त से फिर पापा ने अपनी लाइफ शुरू कर दी एंड आई हैव बीन लिविंग विद माय मदर. आई हैव लिव्ड विद माय फादर जस्ट अ लिटिल बिट गैप्स में, मतलब आई डोंट रियली नो हिम दैट मच. ओके. बट एंड जो आपके स्टेप फादर हैं, आर यू कंफर्टेबल विद हिम या नहीं? नो आई एम नॉट एक्चुअली. It's just, it's very complicated. My mother got married 2 times after she married my father. The second father was just terrible. I hate him. I still hate him. Huh. The third father was not so bad. I liked him for her because he really loved her. I just did not get along with him because wo ye hota hai ki at a very young age, I was 9, 10. I had to start taking care of my brothers and I had to play the role of a mother to my brothers because my mother was earning. She was a single parent aur wo jo mere second father bhi the wo the bhi nahi bhi the, he didn't used to work, so my mother was the breadwinner and I was there with the children har waqt. To wo ek jab aap role kisi se cheen lete hai na, jab ek aadat ho jati hai aapko, to उस बंदे को समझ नहीं आता है अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ. आई डोंट इवन बिलोंग हियर एनी मोर बिकॉज मेरा रोल तो ले लिया गया है. नाउ ही येल्स एट माय ब्रदर्स एंड माय ब्रदर्स लिसन टू हिम. आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू हियर, यू नो. एंड आई एम ऑल्सो वेरी पजेसिव अबाउट माई ब्रदर्स. आई डोंट लाइक एनी वन टेलिंग देम और येलिंग एट देम. आई एम लाइक नो माइन, यू नो, डोंट येल एट देम, आई येल एट देम फॉर यू. सो इट्स, यू नो, तो वो काफ़ी डिफरेंसेस थे. So at a very young age, when I was 16, 17, I moved out and I let my mother have her own space with the husband and the kids. And at that time, obviously, I wasn't working. I wasn't even 18 yet. So then my father, I lived by myself for a month. I didn't have money. I didn't have anything. I didn't have food to eat. Like, it was just bad. It was just bad. जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे उसका मैंने एक छोटा सा एक बेसमेंट का एक रूम ले लिया था. और आखिर में मेरे पास मैगी नूडल्स भी ख़त्म हो गए थे और आटा भी ख़त्म हो गया था. माई बेस्ट फ्रेंड यूज़ टू गेट मी स्टाफ फ्रॉम हर घर से, ना सौदा थोड़ा सा ला के दे देती थी. एंड देन आई वॉज़न इन टच विद माई फादर फॉर लाइक 7 years. उस वक्त तक आई लुक्ड अप हिज नंबर, कॉल्ड हिम एंड आई वॉज लाइक आई नीड हेल्प. आई एम गोना डाई लाइक दिस. आई नीड हेल्प. आई नीड यू टू गिव मी अ शेल्टर, you know. And he called me back a day later. He was crying and he's like, "Ajo." And I went there and I started living with my father after 7 years. I had no idea who he was. We were just living together. And then along came my stepmother. She was in Pakistan at the time when I moved to Dallas from New York to my father. And when she came, she didn't like the fact that I was there and एकदम से एक बड़ी सी लड़की आ गई है और क्या हो रहा है ये, यू नो. तो वो एक बहुत मुश्किल टाइम था जहाँ दे वर फाइटिंग एंड आई वाज ट्राइंग. आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ सिंडरेला क्योंकि मैं मेरी लिटरली सिंडरेला वाली लाइफ थी. मैं उठती थी सुबह, मैं सबसे छोटी है, वो मुझसे 18 साल छोटी है, उसको मैं उठाती थी, खुद नाश्ता करती थी, उसको नाश्ता कराती थी, उसको हाथ में पकड़ा होता था, साथ साथ मैं किचन साफ़ करती थी, बर्तन धोती थी एंड आई वुड क्लीन अप एंड मेक ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन. एवरीवन वुड वेक अप, दे वुड हैव ब्रेकफास्ट एंड देन आई वुड क्लीन अप द किचन व्हेन एवरीवन लीव्स एंड देन आई वुड क्लीन अप द हाउस एंड देन आई वुड गो वर्क एंड देन आई वुड कम बैक एंड देन क्लीन अप अगेन. एंड देन बिकॉज माई फादर रियली वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड मी टू गेट ऑफ ऑफ हिज हेड. तो ही वॉज लाइक, तुम्हें उस वक्त भी मैं मोटी थी ऑब्वियसली, तुम्हें पतला होना पड़ेगा, तुम्हें रात को भी वर्कआउट भी करती थी कि बाबा ने बोला पतला होना पड़ेगा, तो मैं पूरा ये करके फिर रात को वर्कआउट करती थी. आई हैड नो फोन, आई वॉज नॉट अलाउड टू यूज़ अ कंप्यूटर. माई फादर हैड द पासवर्ड फॉर फेसबुक और वो जाके सारे लड़कों को डिलीट कर देते थे मेरे फेसबुक पे से. ही वॉज जस्ट वेरी लाइक दैट अबाउट मी, जस्ट मी. तो वो मेरी स्टेप मदर को नहीं, आई गेस उनको सूट नहीं कर रहा था मेरा वहाँ रहना. नाउ शी इज़ वेरी डिफरेंट, शी टेल्स मी टू कम एंड स्टे देयर, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट. एंड यू वर जस्ट 18 एट दैट टाइम. आई वाज जस्ट 18 एट दैट टाइम. आई हैड टू मूव बैक टू न्यूयॉर्क एंड जस्ट देन यू डिसाइडेड कि यू शुड बी ऑन योर ओन. ऑन माय ओन.
जब जब आई हैव बीन ऑन माय ओन आई हैव बीन गुड. आई सी माई फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दीज पीपल सेइंग बचपन कितना अच्छा था, बचपन में चले जाए. बचपन वॉज बैड बैड. अबू के साथ कितना अरसा रहे हो आप? अ ईयर. और फिर वापस आ गए न्यूयॉर्क, और फिर आपने वहाँ क्या किया? आई स्टार्टेड वर्किंग. आई गॉट अ रूम. एक चाइनीज औरत थी, उसके घर में मैंने एक रूम लिया और वहाँ पे मैंने पिज्ज़ा डिलीवरी का काम शुरू किया. आई यूज टू डिलीवर पिज्ज़ाज एंड आई वाजंट फाइंडिंग अ गुड जॉब. ढूंढती रही. आई वॉज उस वक्त मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. मैंने हाई स्कूल फिनिश कर लिया था, उसके बाद काम शुरू कर दिया. उसके बाद मैं काम कर रही थी टू अर्न इनफ मनी टू लाइक पे माई रेंट एंड स्टफ. देन आई वुड गो टू कॉलेज. पापा ने भी नहीं भेजा क्योंकि ही वॉज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. सो आई केम बैक. आई गॉट अ जॉब एट मेसीज. दे हायर्ड मी एज अ मैनेजर. सो एज सून एज आई डिड दैट आई गॉट माई सेल्फ इन ए कम्युनिटी कॉलेज. मैं वहाँ गई और मैंने अपना एसोसिएट्स किया. एसोसिएट्स भी बहुत मुश्किलों से मेरा 4 सालों में हुआ है एसोसिएट्स, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ लॉट गोइंग ऑन इन माई लाइफ विद माई फैमिली एंड माई मदर. मी मूविंग इन विद माई मदर, देन मी मूविंग आउट, एंड देन मी मूविंग बैक इन, एंड देन मी मूविंग बैक आउट. एंड इट वॉज जस्ट मी एंड माई मदर आर वेरी लाइक वी बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन. वो उनका ये है कि वो किसी बात पे उनको अगर आ जाए, she does not listen to anyone. She does whatever she wants to do. Same is with me. That if I feel a certain way about something, I'm not going to listen to anyone else. I feel about it a certain way and I trust myself enough. And I always felt ki unki choices meri safety ko jo hai risk pe dalti thi. Because my second father was not a very good choice. He was just since the age of 8 till 11, I think 11 is when he left. He molested me ghar pe when my mother was out working. So I couldn't even tell my mother. I couldn't tell anyone. And because of her bad choice, I went through a very bad childhood. Very bad childhood. Like I see my friends and all of these people saying, "Bachpan kitna acha tha, bachpan mein chale jaye." I'm like, no, I'm good here. Bachpan was bad, bad. So that happened to me for 4 years, and then another choice of hers, she sent me. Actually, main move bhi bahut ki hu. I've changed like 13 schools until the 12th grade. So moving back and forth to America and Pakistan. And Pakistan, I've been to City School, I've been to Beacon, I've been to St. Joseph. I've literally went to every school you know of. And then even in America. So it was just not very stable. It was just like here and there and here and there and here and there. It's a lot. So this whole thing is happening. So what is inside? Are you bitter? Have you come to terms? I've come to terms. Have you resolved? I'm not bitter. Thank God I'm not bitter. Thank God. Angry? No. I was angry. I've been into rehab 2 times and I've been sent there for like 7 to 10 days. Matlab wahi rehab mein rahi hoon main, to wo sari therapy ho chuki hai. Rehab kis liye? Because I tried to kill myself every time my parents, like something would happen with my parents. I was one of those people jo apne upar sab le lete hain. I'm still one of those people jo apne upar sara le lete hain ki acha ye sab nahi ho raha hai meri wajah se nahi ho raha hai. To main bahut jazbati thi, abhi bhi hu jazbati. Obviously I don't think about killing myself anymore, but main abhi bhi jazbati hu bahut zyada. Bachpan mein to mujhe aap kisi bhi cheez mein convince kar le and I would be like aisa hi hoga, aisa hi hai, you know. So it was pehli dafa when I tried to kill myself, it was because of my stepmother. I'm sure she's going to watch this. It's fine. She
there was something going on with her and my father. Unki koi ladai ho rahi thi, mujhe nahi pata kyon ho rahi thi. Wo nikli apne kamre se, wo mere kamre mein aayi, and she's like, tum jab se aayi ho mera ghar kharab ho gaya hai, tumne mera ghar kharab kar diya. And I'm just sitting there, aur us waqt main pehli dafa apni maa se bahut dur thi. और मैं पूरी पूरी रात नहीं सोती थी. मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, और मैं रात को दवाई लेके सोती थी. तो मैंने उस दिन दवाई नहीं ली, मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं सिर्फ इस बारे में सोचती रही. एंड आई वाज लाइक, अगर मैं इतनी, आई एम नॉट नीडेड एनीवेयर, व्हाई शुड आई एग्जिस्ट? माय मदर डजंट नीड मी, माय फादर क्लियरली डजंट नीड मी, व्हाई शुड आई एग्जिस्ट? So that's when I like overdosed on a lot of Tylenol, and they took me in the ER, and they pumped my stomach out. And after that, what happens in New York, they take you to a rehabilitation center. They don't ask you, they just take you there because they think you need help, and obviously I did need help. I went in there, and I tell you, it was the most amazing time of my life. मुझे कोई तंग करने वाला नहीं था, मुझे कोई बातें सुनाने वाला नहीं था, मेरे साथ कोई गलत, बस जो नीचे करते हैं ना बच्चों को, तुम तो ऐसी हो, तुम तो है, तुम क्यों आ गए, तुम उफ, तुम मेरे, तुम्हारे अंदर से कुछ भी नहीं है, तुम क्या करोगी, मोटी भी हो तुम, कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था. और सब लोग थे जो मुझे अप्रिशिएट करते थे वहाँ पे, जो जिन्होंने मेरी कहानी सुनी, दे वर लाइक, हाउ आर यू स्टिल नॉर्मल, हाउ आर यू स्टिल नॉर्मल, हाउ डिड यू मैनेज? So that was good for me. And then I came back, and then I talked to my father, and I was like, I should go because this is not working out for you. And he's like, well, if you make it sound like that, then. I was like, yeah, I should go. So I went back. Jahan main hoon wahan main secure hoon kyunki main hoon aur apne liye main khud hoon. So ye bahut waqt se seekha maine. Thank you.